हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका न्यू चैप्टर अवकलन। इसे हिंदी में तो अवकलन और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मीनिंग समझने से पहले ये देख ले क्या है डिफरेंशिएशन। जो है वो आपके पास एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस यानी कि विधि। क्या है? विधि। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, विधि है, जिसके द्वारा हमें जो रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट यानी कि जो परिणाम मिलेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के जरिए आपको जो रिजल्ट मिलेगा, सिंपल सा है बच्चों, कोई भी आप काम करते हो तो उसका एक रिजल्ट होता है। तो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, एक विधि है, उसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो आपके पास होगा डेरिवेटिव। वो आपके पास आएगा डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव यानी कि हिंदी में बोलते हैं अवकलज, अवकलज। ठीक है, और इसका जो प्रोसेस के दौरान जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट जो है वो है आपके पास डेरिवेटिव अवकलज। तो डिफरेंशिएशन को अगर आप करते हो, आप किसी भी फलन का अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको अवकलज प्राप्त होगा, यानी कि डेरिवेटिव प्राप्त होगा। तो डिफरेंशिएशन तो एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस कैसे कैसे की जाएगी, किस किस फॉर्मूले के जरिए, वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट द प्रोसेस। ठीक है, इसके द्वारा जो आपके पास परिणाम आएंगे, जो आपके पास रिजल्ट आएंगे, वो होगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यानी कि अवकलज। ठीक है, अब देखिए अवकलज जो है इसे हम किस किस से दिखा सकते हैं, dy ओवर dx, ठीक है, y डैश और f डैश x, यहां इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, dy ओवर dx, y डैश x। ठीक है, जब हम dy ओवर dx लिखते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि x के सापेक्ष y का अवकलन, y का अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष y का अवकलन, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का अवकलन होगा, तो y ऊपर आएगा और x नीचे आएगा। अच्छा, यहां और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, यहां दो चीज होती है, यहां जो ये y है इसको हम बोलते हैं, और ये जो x है इसको क्या बोलते हैं। देखिए, y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और इसे हिंदी में बोलेंगे आश्रित चर, आश्रित चर। ठीक है, और x को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और हिंदी में बोलेंगे स्वतंत्र चर। ठीक है, क्या होता है ये आश्रित चर और स्वतंत्र चर, वो देख लीजिए। जैसे आपके पास y इक्वल टू, मैंने एक इक्वेशन लिखी x माइनस 10, ठीक है, y इक्वल टू x माइनस 10, तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो y की वैल्यू आपको कुछ मिलेगी, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 100। ठीक है, देखो जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू मिलेगी माइनस 9, अगर 2 रखोगे तो माइनस 8, अगर 3 रखोगे तो माइनस 7, अगर 10 रखोगे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, 100 रखोगे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। समझना, तो यहां कर क्या रहे हैं कि ये x की वैल्यूज तो हम खुद रख रहे हैं, x की वैल्यूज तो हम खुद रख रहे हैं, लेकिन y की वैल्यू x की वैल्यू रखने के बाद मिल रही है। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी अगर हम x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 रख रहे हैं, x इक्वल टू 2 रख रहे हैं, x इक्वल टू 3 रख रहे हैं, तो देखो यहाँ y की वैल्यू चेंज हो रही है, इसके साथ साथ माइनस 9, माइनस 8, माइनस 7। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसलिए हम x को तो बोल देते हैं इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र चर, क्योंकि इसका मान हम खुद रख रहे हैं, लेकिन y का जो मान आ रहा है वो आपका आश्रित चर है, वो x के ऊपर डिपेंड करेगा कि x क्या होगा, तभी आपका y का मान क्या होगा डिपेंड करेगा। तो यहां मैं हम बात कर रहे हैं x क्या है, एक स्वतंत्र चर है, और y क्या है, आश्रित चर है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि सर डिफरेंशिएशन का इसमें क्या यूज है, कि अगर आपको परिवर्तन देखना है, मेरी बात सुनना गौर से, अगर आपको परिवर्तन देखना है कि x का मान 1 रखा तो y का मान -9 आ रहा है, x का मान 2 रखा y का मान -8 आ रहा है, x का मान 3 रखा y का मान -7 आ रहा है, और उसके बाद देखो x का मान फटाफट आपने 10 रख दिया तो आप
वाई का मान जीरो आ गया। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, इस परिवर्तन को देखने के लिए बच्चों इस डिफरेंशिएशन वाली जो प्रोसेस है इसका यूज किया जाता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है सिंपल सा परिवर्तन की दर। डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। तो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? परिवर्तन की दर। इसीलिए हम बोलते हैं dy बटा dx को कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर है ना। x के सापेक्ष y का अवकलन यानी x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। अगर आपके पास y ऊपर है x नीचे है तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। तो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट द परिवर्तन यानी कि चेंज, कि किस तरीके से क्या चेंज हो रहा है। अगर आप x का मान बढ़ा रहे हो तो y का मान बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी आपको देखना है वो हम डिफरेंशिएशन के जरिए देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हुआ बेसिक। इसके बाद देखिए कि एक फॉर्मूला यानी जिसे हम बोलते हैं प्रथम सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत से अवकलन उसको देखते हैं। देखिए बच्चों y बराबर यानी f of x बराबर होता है y बराबर f of x, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, हमने क्या किया x में परिवर्तन किया, तो डेल x जो है वो x में परिवर्तन है, ठीक है। याद रखें x में परिवर्तन कितना हुआ? डेल x, तो f x प्लस डेल x, ठीक है भाई। अब अगर x में परिवर्तन हुआ है तो सोच के देखिए y में भी परिवर्तन होगा। बहुत छोटा सा चेंज किया हमने, बहुत छोटा सा परिवर्तन किया। अब परिवर्तन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, कहने का मतलब हम इसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां बढ़ा रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो यानी बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही डेल वाई, तो डेल वाई का क्या हो जाएगा? वाई में परिवर्तन, ठीक है, वाई में परिवर्तन। तो वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा, ओके। यहां तक किसी को दिक्कत? अब मेरी बात सुनिएगा, x में परिवर्तन हुआ डेल x, तो y में कितना परिवर्तन हो गया बच्चों? डेल y हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम लोग कि परिवर्तन की दर कैसे। अब अगर आपको परिवर्तन की दर निकालनी है तो कैसे निकाली जाएगी? y में परिवर्तन दर कभी भी निकालनी हो किसी चीज की, y में परिवर्तन अपॉन x में परिवर्तन। अपन क्या करेंगे कि बाद में जितना हुआ है उसे माइनस कर देंगे पहले वाले में से, यही तो होगा। तो बाद में कितना हुआ है देखो, y में परिवर्तन कितना है y, ये रख। तो यहां लिख सकते हैं हम, देखो f of x plus del y, del x है ना, y है ये, minus f of x, तो ये तो हो गया y में परिवर्तन अपॉन x में परिवर्तन कितना है, पहले x कितना था, बाद में x कितना हो गया, x हो गया x plus del x, ठीक है। और पहले कितना था del x, पहले कितना था x था, पहले कितना था x, अब कितना हो गया x प्लस डेल x, तो इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा देखो, यहां f ऑफ x प्लस डेल x y प्लस डेल y के बराबर है, y प्लस डेल y माइनस f ऑफ x कितना है y है अपॉन x प्लस डेल x माइनस x। तो देखो x x कैंसिल y से y के, तो कितना आ गया डेल y अपॉन डेल x। तो देखिए जो परिवर्तन हुआ है वो कितना आया डेल y अपॉन डेल x। तो y में परिवर्तन अपॉन x में परिवर्तन जो है वो कितना हुआ है डेल y अपॉन डेल x। अब इसको और थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो बच्चों आपने 11th क्लास में सीमा नाम का एक चैप्टर था लिमिट्स, उसको रीड किया है। तो लिमिट्स का काम कहाँ आता है, लिमिट्स कहाँ यूज होती है, मैं आपको बता दूं। लिमिट वहां यूज होती है जहां आपका फंक्शन अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित होने का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित होने का मतलब ये है कि उस फंक्शन पर, उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर फंक्शन अपरिभाषित हो रहा है वहां आपको फलन का मान नहीं मिलेगा, है ना, कोई मान नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, सीमा लगाते हैं उसमें, और सीमा लगाने के बाद में हम उसके बाईं ओर जाते हैं और दाईं ओर जाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ जाते हैं, बाईं ओर भी जाएंगे, बाईं ओर यानी थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा,
दोनों तरफ जाएंगे, अगर दोनों पे मान बराबर आता है तो बताते हैं सीमा का अस्तित्व है और फलन का मान हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसका यहाँ यूज करने वाले हम, कहने का मतलब ये है कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स है ना बराबर आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन, ये कितना देखो इससे कैंसिल होगा सिर्फ क्या आएगा डेल एक्स है, इतना आएगा। तो यहां मैं लिमिट लगा रहा हूं, ठीक है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब यहां एक सवाल है सर, डेल एक्स टेंस टू जीरो आपने क्यों किया है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। तो डेल एक्स टेंस टू जीरो क्यों किया गया है, क्योंकि हम x में परिवर्तन करेंगे और उसके सापेक्ष y में देखेंगे, इसलिए है ना, हम y में सीधा परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि हम परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं। तो परिवर्तन की दर अगर निकाल लिए तो आप एक तरफ परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखो, अगर आप कोई कंपनी खोलते हो तो आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है कि आप माल बनाओगे और उसे बेचोगे, ठीक है, माल बनाओगे और उसे बेचोगे। तो आप करोगे क्या, आप बस ये देखोगे कि आपने माल जो बनाया और उसे बेचा है तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो बेचने पर डिपेंड होगा ना। आपने 100 की चीज बनाई और अगर 500 में बेची तो आपको प्रॉफिट होगा, सिंपल सा। और अगर तो आपको ये कैसे मालूम चल रहा है कि आपके परिवर्तन हुआ या फिर नहीं हुआ, क्योंकि आपने पहले चीज बनाई। तो हम तो सिर्फ यहां बनाएंगे, यानी डेल एक्स टेंस टू जीरो जो है हम सिर्फ एक्स में परिवर्तन देखेंगे, वाई में तो खुद मालूम चलेगा कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए यहां पर डेल एक्स टेंस टू जीरो किया गया, ना कि डेल वाई टेंस टू जीरो, ठीक है बच्चों। तो इसे हम जो बोलेंगे, हम मान लेते हैं कि जो परिवर्तन हुआ वो हुआ डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, कितना हुआ डी वाई बटा डी एक्स, बराबर कितना हो जाएगा लिमिट, ये कितना हो जाएगा डेल एक्स टेंस टू जीरो, और यहां ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन कितना आ जाएगा डेल एक्स, ठीक है, इतना आ गया। अब यहां क्या कर रहे हैं बच्चों अपन, कि ये जो डेल एक्स था ना इसको चेंज कर रहे हैं, डेल एक्स इक्वल टू मान लेते हैं एच। एच क्या है, एच एक बहुत छोटी राशि है क्योंकि डेल एक्स भी बहुत छोटी राशि है, तो यहां ये आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, इधर नहीं आएगा ऊपर लिखना पड़ेगा, तो इतना आप नोट कर सकते हैं, इसके बाद देखते हैं ऊपर। dy अपॉन dx बराबर, dy अपॉन dx बराबर कितना आ जाएगा देखिए, लिमिट h टेंस टू जीरो, अगर h टेंस किया तो डेल x की जगह जहां भी है वहां h आ जाएगा, तो x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा x आ जाएगा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, सॉरी अपॉन एच, एच डेल एक्स के लिए कितना आएगा एच, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया और इसे बच्चों हम बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन, है ना, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, ये आपने 11th में काफी यूज किया होगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम सिद्धांत से अवकलन। तो बच्चों ये है परिवर्तन की दर, कि आप x के सापेक्ष y में कैसे परिवर्तन देख रहे हो, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो यही आपके पास डेरिवेटिव और यही है परिवर्तन की दर, और इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। आप इस तरीके से लिखोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन, शॉर्ट में आपको ऐसा ही लिख के चलना है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रथम सिद्धांत का जो फॉर्मूला डीवाई अपॉन डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच का मतलब क्या है कि एक्स में थोड़ा सा मान बढ़ाया, यहां देखो एक्स में जो पहले का मान था उसे माइनस कर दिया और अपॉन क्या है एच है, ठीक है, और देखो इसी एच को हमने जीरो किया, ठीक है, क्योंकि हमने जो मान बढ़ाया है ना, ध्यान देना, जो मान बढ़ाया हम उसको वापस जीरो कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि इसको जीरो करने से ऊपर क्या फर्क आता है, ठीक है। चलिए
जैसे y इक्वल टू कौन सा देखें बताओ, साइन एक्स को देख लेते हैं बताओ ना। देखिए y इक्वल टू साइन ऑफ x, तो सिंपल से f ऑफ x इक्वल टू साइन x आपके पास है, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला लगाएंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे कि dy बटा dx अगर आपको इसका निकालना है तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ओके। ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे। तो यहां से देखें लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अब f ऑफ x प्लस h कितना हो जाएगा, f ऑफ x अगर साइन x है, यहां अगर x है तो यहां x है। बच्चों ध्यान देना, बहुत दिक्कत होती है कि अगर हम इस x को x प्लस h से चेंज कर रहे हैं ना, रिप्लेस कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है x जहां भी होगा फलन में सब रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। जहां भी x होगा सब रिप्लेस हो जाएगा, इसका मतलब साइन ये x था ना, तो ये भी कितना हो गया x प्लस h हो गया। बस इसमें रख दो साइन x प्लस h माइनस साइन एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो डीवाई बटा डी एक्स आ जाएगा आपके पास। अब आपको पता है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी, तो फॉर्मूला बोल दो, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, ठीक है, और साइन सी माइनस डी बाई, ओके, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का। तो ये फॉर्मूला आप इसमें लगाओगे यहां ऊपर साइन सी माइनस साइन डी में। तो अगर यहां ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं एच टेंस टू जीरो, तो लगा दीजिए, देखिए टू कॉस सी प्लस डी यानी एक्स प्लस एच प्लस एक्स बटा दो और साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बटा दो, ठीक है, अपॉन एच आ जाएगा, कोई दिक्कत। लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखिए क्या बचा टू कॉस, तो ये टू एक्स बटा दो, तो एक्स प्लस एच बटा दो, ठीक है, और ये जो लिमिट है ये अंदर भी आ जाएगी इसमें, तो x से x कैंसिल होगा, तो लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बटा दो और अपॉन, मैंने ये जो h था ना ये सिर्फ इसके नीचे लगा, ठीक है। तो ये dy बटा dx आपके पास आ रहा है। अब देखो कुछ बच्चों स्टैंडर्ड लिमिट थी जो आपने पढ़े थे, मानक सूत्र, स्टैंडर्ड लिमिट, मानक सीमाएं आप पढ़ के आए हो ना, मानक सीमाएं बोलते हैं इनको। मानक सीमाएं क्या क्या होती हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। ये है लिमिट x टेंस टू जीरो, जब आपके पास h x टेंस टू जीरो हो तो साइन x बटा x कितना होता है बच्चों, एक होता है, और ऐसे लिमिट x टेंस टू जीरो टेन x बटा x होता है ना, तो ये भी एक होता है। अभी के लिए फिलहाल आप ये दो याद कर सकते हो, तो साइन x बटा x बराबर एक होगा, लेकिन क्या होना चाहिए x टेंस टू जीरो, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना है कि यहां जो लिखा है ना वही सेम यहां भी होना चाहिए, यहां x है तो यहां x होना चाहिए, यहां h है तो यहां h होना चाहिए, यहां x स्क्वायर है तो यहां पर भी x स्क्वायर ही होना चाहिए, यहां अगर h by 2 है तो यहां भी h by 2 होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनाइए। तो यहां क्या है, देखो h by 2 है तो मुझे यहां h by 2 बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहां h by 2 बनाऊं तो या तो आप ये कर सकते हो कि 2 बटे 2 का गुणा करो, है ना, दो का ऊपर गुणा कर दो का भाग लगाते, या फिर आप ये कर सकते हो कि सोच के देखो कि आप ये वाला तो दो है ना, इसको नीचे लेके आ सकते हो, इसको अगर नीचे लेके जाओगे आप तो ये h बटा दो बनाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ऊपर तो हो जाएगा, समझे। तो अगर ऐसा करते हो तो लिमिट इसमें आप लिमिट रख दो, यहां देखो इसमें लिमिट रख दोगे h टेंड्स टू जीरो तो ये बन जाएगा cos x और इसका मान कितना हो जाएगा एक, कितना हो जाएगा एक, तो dy बटा dx बराबर कितना आ गया cos x, ठीक है। तो प्रथम सिद्धांत के जरिए हम फॉर्मूलों को डेराइव कर सकते हैं कि sin x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है बच्चों, cos x होता है, ठीक है। ऐसे cos x का माइनस sin x होता है, tan x का sec square x होता है। तो ये चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।